दोस्तों 2003 की साइबेरियन टैगा फॉरेस्ट वाइल्ड फायर जिसमें 55 मिलियन एकड़ का जंगल जलकर खाक हो गया था। साइबेरिया के जंगलों में लगी इस आग ने रूस, चीन और मंगोलिया के कई हिस्सों को जलाकर राख में तब्दील कर दिया था। 2019 से 2020 की ऑस्ट्रेलिया बुश फायर, 42 मिलियन एकड़ जंगल साफ और करोड़ों मासूम जानवर मारे गए। 2014 में कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में लगी आग 8.5 मिलियन एकड़ जंगल को समाप्त कर दिया। 2004 में अमेरिका के अलास्का के जंगलों में लगी आग ने 6.6 मिलियन एकड़ जंगल को किया राख। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं वाइल्ड फायर यानी जंगल में लगने वाली आग के, जिसके कारण हर साल लाखों एकड़ के जंगल बर्बाद हो जाते हैं, करोड़ों मासूम जानवर जलकर मर जाते हैं। दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग से इंसानों की भी मौत होती है, जी हां, और उनके बनाए गए आशियाने बर्बाद हो जाते हैं, अरबों की प्रॉपर्टी का लॉस होता है। आखिर जंगल में आग लगती कैसे है? क्या ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर होती है या फिर इंसान का नेचर के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम? जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस भीषण तबाही से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग से रिलेटेड सभी मुद्दों पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये बर्बाद होते जंगल हमारे लिए और इस प्लैनेट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, पृथ्वी के सरफेस का टोटल एरिया करीब 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका करीब 71% हिस्सा पानी से भरा है, जबकि इसके लगभग 29% एरिया में ही लैंड है जहाँ पर इंसान और जंगल हो सकते हैं। इटली के रोम में यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO। साल 2020 में FAO ने दुनिया भर में फैले जंगलों पर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में धरती के 10.0 अरब एकड़ हिस्से में फॉरेस्ट है। यह पृथ्वी के पूरे लैंड एरिया का लगभग 31% है, लेकिन यह जंगल अब बर्बाद हो रहा है। और बर्बादी के पीछे सिर्फ फायर ही नहीं बल्कि दूसरे भी कई कारण हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं कि जंगल में आग आखिर लगती कैसे है। दरअसल जंगल में आग लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक भी हैं और कुछ इंसानों के अपने कारण हैं। जंगल में बढ़ती आग की घटनाओं के लिए काफी हद तक ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, WWF इंटरनेशनल के 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे विश्व में जितनी भी वाइल्ड फायर्स की घटनाएं होती हैं, उसमें से 75% के लिए ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जंगलों का जलना आज का ही नहीं बल्कि हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से घटनाएं बढ़ गई हैं और ज्यादातर खतरनाक भी हो गई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जी हाँ, जिसमें इंसानों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। गर्मी के महीनों में जंगल के बहुत से पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और टूट टूट कर गिरने भी लगते हैं। अगर इसी बीच उनमें आपस में रबिंग होती है या फिर जंगल के पत्थरों में आपसी रगड़ होती है तो चिंगारी उत्पन्न होती है और सूखे पत्ते और टहनियां जलने लगती हैं। यह आग फिर धीरे धीरे बड़े एरिया में फैल जाती है। जंगल में आग बिजली के गिरने से भी लग सकती है दोस्तों, और वाइल्ड फायर के लिए यह सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन भी फॉरेस्ट फायर का एक बड़ा नेचुरल कॉज है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा अंदर जंगल में प्रवेश कर गया तो भारी तबाही का आना निश्चित हो जाता है। अकेले अमेरिका की बात करें तो 2022 में 66,255 बार वाइल्ड फायर की घटनाएं हुई, जिसके कारण 75,34,403 एकड़ जंगल जलकर नष्ट हो गए। फरवरी 2023 के मात्र एक सप्ताह के अंदर ही इंडिया में 1,156 फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं हुई थी। भारत के 12 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। 2020 के ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर की वजह से करीब 480 मिलियन एनिमल्स मारे गए थे। वाइल्ड फायर के बाद जो जानवर बच जाते हैं उन्हें फूड, वाटर और हैबिटेट के लॉस होने की वजह से बचे हुए एनिमल्स ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाते। वाइल्ड फायर से एक और बड़ा लॉस होता है, वह है सीड्स का जल जाना, जिससे नए प्लांट्स नहीं उग पाते। आइए अब आपको समझाते हैं कि वाइल्ड फायर्स के लिए इंसान कैसे जिम्मेदार है। दोस्तों, वाइल्ड फायर के लिए ह्यूमंस दो तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी हाँ, जलती सिगरेट फेंक देना, फॉरेस्ट के आसपास खेतों में क्रॉप रेसिड्यू को जलाना, फॉरेस्ट में एक्सीडेंट का होना और जलते हुए वेस्ट मटेरियल्स को जंगल में फेंक देना, ये सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसमें फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती है। अमेरिका में 90% वाइल्ड फायर सिर्फ ह्यूमन कॉजेस की वजह से होती है, जबकि सिर्फ 10% फॉरेस्ट फायर की घटनाएं नेचुरल होती है। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्टली ह्यूमंस वाइल्ड फायर्स के लिए कि कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। लोग बड़े पैमाने पर पेट्रोल, डीजल और कोयला को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जलाते हैं। इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है। यही कार्बन के कंपाउंड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दूसरी गैसों के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं दोस्तों, जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं
इससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वाइल्ड फायर के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है। इसके कारण फॉरेस्ट के प्लांट्स सूखकर टूटने लगते हैं। सूखे हुए पत्ते और टहनियां फ्यूल की तरह काम करते हैं। जितने ज्यादा सूखे फ्यूल्स अवेलेबल होंगे, आग उतनी ही भयानक होती है। और दोस्तों, जंगल में अगर एक बार आग लग गई तो उसे बुझाना आसान नहीं होता। जब आग नदी या झील तक पहुंचती है, तभी जाकर ये आग की लपटें शांत होती हैं। 2019 से 20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, वही भयानक आग 5 महीने से ज्यादा समय तक सर्वाइव करती रही, और जब बारिश हुई तब जाकर वह तबाही बंद हुई थी। दोस्तों, जंगल और इसके रिसोर्सेज इस पूरे प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरह ये कार्बन सिंक बनकर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। जंगल से हमें कई तरह की वैल्यूएबल थिंग्स जैसे कि वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, एनिमल्स की लाखों स्पीशीज, फूड और बहुत तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। धरती के रिच रिसोर्सेज को बचाने के लिए पूरी दुनिया को प्रॉपर एक्शन लेना होगा। पहले तो हमें आग लगने से रोकनी होगी, और फिर उसके बाद भी अगर जंगल में आग लग जाती है तो उसे कम से कम लॉस पर कंट्रोल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जंगल धरती के इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने में मददगार होते हैं। यह हमें स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान या दूसरे जीव जिस तरह से ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके खुद के लिए खाना बनाते हैं। उसी खाने से उनमें ग्रोथ होती है, और जिसके बाद ये प्लांट्स इंसान और दूसरे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और जिंदा रहते हैं। सोचो, अगर दुनिया से प्लांट्स यानी पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर क्या ही होगा। आप इस फूड पिरामिड को देखिए, इसमें एनर्जी का फ्लो सबसे नीचे वाले बॉक्स से शुरू होकर ऊपर की तरफ फ्लो करता है। इस पिरामिड के नीचे वाले बॉक्स में आपको सिर्फ प्लांट्स दिखेंगे, जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे एलिमेंट से खुद के लिए फूड तैयार करते हैं, और उसे फूड से इन्हें एनर्जी मिलती है। जब उस प्लांट्स को सेकेंड नंबर वाले बॉक्स की लिविंग बॉडीज कंज्यूम करती हैं, तो उन्हें एनर्जी मिलती है, और फिर इसी तरह से यह ऊपर तक पहुंचता है। अब अगर नीचे प्लांट्स वाले बॉक्स को हटा दें तो फिर क्या होगा। अब जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स था वो तो वहीं खत्म हो गया, तो पिरामिड के दूसरे बॉक्स में जो लिविंग बॉडीज हैं, उन्हें जीने के लिए कहां से एनर्जी मिलेगी। कंक्लूजन यह हुआ कि अगर ये प्लांट्स खत्म तो दूसरे जीव जिसमें इंसान भी शामिल हैं, सब खत्म, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों बंद हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पृथ्वी पर जो प्लांट्स हैं वे सारे तो खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर दूसरे लिविंग बॉडीज के लिए प्रॉब्लम कैसे। तो ये बात सच है कि सारे जंगल और सारे प्लांट्स तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो बैलेंस था वह डिस्टर्ब हो रहा है। जी हाँ, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ और दूसरे जीवों पर देखने को मिलेगा। प्लांट्स फूड प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से कंज्यूम करने का काम करते हैं। ह्यूमंस के साथ एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से कंज्यूम करने का काम करते हैं, जिससे पृथ्वी पर कार्बन का बैलेंस अमाउंट मेंटेन रहता है। लेकिन जब प्लांट्स आग और दूसरे कारणों से कम होते रहेंगे तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं। जी हाँ, और इसकी वजह से सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स, वाइल्ड फायर, डेजर्टिफिकेशन, भयानक तूफानों का आना, कहीं पर सूखा तो कहीं पर बाढ़, और इन सब के कारण जानवरों को बेमौत मरना जैसी समस्याएं धरती पर काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक आपके मोबाइल फोन पर तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।